क्योंकि ये सिर्फ दो लाइन का है और इसमें स्वर भी सिर्फ चार लगे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुर सरिता पर। मैं हूँ प्रतिमा और आज आपके लिए लेकर के आए हूँ रामधुन स्पेशल वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक नहीं दो रामधुने। तो इस चैनल में कई सारी रामधुन बताई होंगी, रामधुने बताई होंगी, और लेकिन आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत स्पेशल है क्योंकि ये एकदम बिगिनर लेवल का है। मतलब आपको बस एक बार ये वीडियो पूरी देख लीजिए ऑनलाइन, अपने आप ये पूरा का पूरा रामधुन आपको बजाना आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ दो लाइन का है और इसमें स्वर भी सिर्फ चार लगे हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। सी शार्प से मैं प्ले करने वाली हूँ, तो देख गिन लेते हैं कि इसमें कितने स्वर लगे हैं। वैसे तो इसमें बहुत कम स्वर लगे हैं, ठीक है। देखते हैं, सा लगा है, ठीक है, सी शार्प से प्ले कर रहे हैं, ये सा है। कोमल रे, कोमल गा, शुद्ध मा और कोमल नी, कितने स्वर हुए? एक, दो, तीन, चार। हाँ, मध्य में चार ही लगा। तो बस ये पांच स्वर जो हैं, इन पांच स्वरों में ये पूरी की पूरी राम धुन और सिर्फ दो लाइन में कंप्लीट हो गई है। श्री राम, जय राम, जय जय राम। अब देखते हैं दूसरी रामधुन जो कि बिगनर लेवल की ही होने वाली है, इजी होने वाली है। सी शार्प से ही प्ले करेंगे और इसमें स्वर लगने वाले हैं शुद्ध सा, शुद्ध रे, शुद्ध गा, शुद्ध मा और शुद्ध पा। बस पा तक ही जाएगी ये दूसरी रामधुन। देख लेते हैं, इसमें भी सिर्फ दो लाइन है। पहली लाइन देख लेते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम।
हुआ गा 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 म रे रे ग सा सा रे ग रे ग रे सा सा। अंतरा अंतरे की दूसरी लाइन ही इस पूरी राम धुन की दूसरी लाइन है। सिर्फ दो ही लाइन की है तो लास्ट लाइन देख लेते हैं। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय श्री राम श्री राम जय जय राम। सारे गे सा क्या हुआ श्री राम से देख लेते हैं। सारे गे सा। अब एक बार दो लाइन साथ में देख लेते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय श्री राम श्री राम श्री राम मेरे राम। तो ये दो राम धुन यहाँ कंप्लीट हो गई। और इन दोनों राम धुन की एक खासियत और है कि यही सेम नोटेशन जो आपने चार लाइन सीखी है, दो धुनें सीखी हैं चार लाइन में दोनों कंप्लीट हो गई हैं, तो ये जो सेम नोटेशन है इसी सेम नोटेशन पर आप रामायण भी गा सकते हैं। ठीक है, तो ये रामायण के लिए भी आपको काम आएगा, राम धुन के लिए भी आपको काम आएगा, कृष्ण धुन के लिए भी, सीता राम धुन के लिए भी। बस आपको शब्द बिठाने हैं। नोटेशन बहुत काम की है और बहुत प्यारी भी है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही तमाम वीडियोस पाने के लिए। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।